डिसअपॉइंटमेंट मुझे अपनी जर्नी की प्रोसेस पे नहीं है, मुझे उसकी एंड पे है। फिजिकली मुझे बीट करना इम्पॉसिबल था उस घर में किसी के लिए भी। वो मैंने बैक टू बैक 5-6 टास्क में प्रूव करके दिखाया। घर वाले किसको बाहर करेंगे, जिनसे वो जिससे वो डरेंगे, जिसको वो नहीं चाहते गेम में अपने साथ, क्योंकि उनको लगता है कि भारी पड़ सकता है कभी भी इंसान। स्टैंड लेने की जब बात आती है तो मैंने कभी किसी एक ग्रुप का बायस के साथ नहीं दिया। वोटिंग का रिजल्ट ये है कि मेरे शायद सेकंड हाईएस्ट वोट्स थे पूरे ग्रुप में। सडनली घर वालों के हाथ में आ गई चीज, तो घर वालों ने उस चीज का फायदा उठाकर मुझे आउट करा। ऑडियंस का अगर आता कि निशांत को वोट्स नहीं मिले, तो ऑडियंस की मर्जी, उनकी विशेष सराखों पर कि घटिया चीप लोग डीएनए से एग्जिस्ट करते हैं। उनका डीएनए ही ऐसा होता है कि उसमें सिर्फ धोखाधड़ी होती है, उसमें सिर्फ चीट करना होता है, फ्रॉड करना होता है। आपने अगर देखा हो तो मैं ज्यादा एक्टिव नहीं था पहले दूसरे हफ्ते में। मैं ये सोच रहा था कि मैं कैसी दुनिया में आ गया हूँ। मैंने कभी एजाज जैसे साइको के साथ डील नहीं किया, मैंने कभी पवित्रा जैसी क्लासलेस औरत के साथ डील नहीं किया। ठीक है, गेम शो है, ट्रॉफी है, मैं अपनी पर्सनैलिटी दिखाना चाहता हूँ, सब कुछ है, लेकिन इन लोगों के साथ रहकर, जिन लोगों को मतलब मैं खड़ा ना रखूं अपने आसपास, ऐसे लोगों के साथ रहकर मुझे कई बार फील आता था कि वेयर द हेल एम आई। अब अगर मैं जाऊंगा ना, तो अब मैं जाऊंगा सिर्फ रिवेंज के लिए, वेंजेंस के लिए, और इन एक एक कैरेक्टर्स की, जैसे एजाज है, पवित्रा है, निक्की है, इनकी बैंड बजा के। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आशुतोष और आज हमारे साथ हैं बिग बॉस के घर से अभी अभी बाहर आए निशांत मलखानी। निशांत, वेलकम टू सासबो और सस्पेंस इंडिया टीवी। थैंक यू निशांत ब्रो। जर्नी की हम मतलब जो जिस तरह की जर्नी की बात करें, अगर मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट तो होगी ही कि ऑडियंस की नहीं बल्कि घर वालों ने। मुझे डिसअपॉइंटमेंट मुझे अपनी जर्नी की प्रोसेस पे नहीं है, मुझे उसकी एंड पे है, क्योंकि उसका एंड जो था, जो एविक्शन था, वो अगेन हाउसमेट्स के हाथ में था। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता कि बिग बॉस का जो शो है वो ऑडियंस का शो है, जनता का शो है। और ये एक जग जाहिर बात है कि एलिमिनेशन जो होती है वो ऑडियंस के वोट्स के बेसिस पे होती है, और जो ऑडियंस के वोट्स पे होनी थी, सलमान सर ने बोला था कि वोटिंग के हिसाब से एक इंसान निकलेगा। वोटिंग का रिजल्ट ये है कि मेरे शायद सेकेंड हाईएस्ट वोट्स थे पूरे ग्रुप में, लास्ट कविता के थे, तो कायदे से सिर्फ कविता का ही इलेक्शन होना था उस दिन। लेकिन क्योंकि एक सडनली घर वालों के हाथ में आ गई चीज, तो घर वालों ने उस चीज का फायदा उठाकर मुझे आउट करा। क्योंकि घर वाले किसको बाहर करेंगे, जिनसे वो जिससे वो डरेंगे, जिसको वो नहीं चाहते गेम में अपने साथ, क्योंकि उनको लगता है कि भारी पड़ सकता है कभी भी इंसान। टास्क में हमेशा भारी पड़ता था, फिजिकली मुझे बीट करना इम्पॉसिबल था उस घर में किसी के लिए भी। वो मैंने बैक टू बैक 5-6 टास्क में प्रूव करके दिखाया। स्टैंड लेने की जब बात आती है तो मैंने कभी किसी एक ग्रुप का बायस के साथ नहीं दिया। मुझे जब जो लोग ठीक लगे, जो सही लगे, जिनकी बातें सही लगी, जो फेयर लगे, मैंने हमेशा उनका साथ दिया। तो इस वजह से कोई भी इंसान ये नहीं सोचता था कि निशांत बायस होकर भी हमारे साथ खड़ा रहेगा, हमारे साथ मिलकर कुछ गलत करेगा अगर हम गलत करना चाहते। तो इन सब चीजों के चलते आई वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप, मैं अकेला था। और उसी का फायदा उठा के जब जान ने मुझे नॉमिनेट किया, तो सबने कहा कि चलो बहती गंगा में हाथ धो लो, जब इसके भाई ने, फ्रेंड ने इसको नॉमिनेट कर दिया है, तो हम भी करके निकाल देते हैं, हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मतलब हर किसी के मन में है, बिकॉज जिस तरह की आपकी फैन फॉलोइंग है हमने पहले भी देखी है, मतलब दर्शक लिटरली आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वोटिंग्स आपके लिए बहुत ज्यादा, वोटिंग्स बहुत ज्यादा करते हैं, पर जब इस तरह से, तो एक समय डाल ये भी आपके लिए भी एक शौक था, बिकॉज मेंटली प्रिपेयर होता है इंसान की जब ऑडियंस का पोल आएगा हम उससे बाहर निकलेंगे, हाँ। जब घर वाले आपके साथ हैं उनसे ही बाहर निकलना पड़ेगा। ऑडियंस का अगर आता कि निशांत को वोट्स नहीं मिले, तो ऑडियंस की मर्जी, उनकी विशेष सराखों पर मैं बिल्कुल हम्बल होके निकलता कि नहीं भाई, ऑडियंस ने बोला है कि मैं उनको नहीं एंटरटेन कर रहा हूँ या उनको मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे बाद में। लेकिन ऑडियंस के वोट्स ने तो सिर्फ मुझे फेवर किया था, उन्होंने तो यही बताया कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं और वो चाहते हैं मुझे बिग बॉस के घर में आगे भी देखना। लाखों वोट्स आए, लाखों। जब घर वालों के हाथ में चीज चली गई तो वो तो खैर अनफेयर खेलेंगे ही, क्योंकि उनके लिए तो गेम है, उनको कैसे भी जीतना है और अपने आने वाली सारी मुसीबतों को हटाना है, तो वही हुआ।
बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें जब वहां पे सामने आई, मतलब काफी सारे डिस्प्यूट्स भी हुए कुछ लोगों के, ऊंच नीच बातें बातें भी हुई। तो एक अगर इस चीज को अपार्ट फ्रॉम दिस अगर जर्नी की बात करें, तो किस तरह की जर्नी रही, जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करें? जर्नी में ये कहूँगा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मुझे हमेशा लगता था कि मैं दुनिया को हमेशा लोगों को उस नज़र से देखता था जो मैं खुद हूँ। मैं लोगों से वो एक्सपेक्टेशन करता था जो मैं खुद पूरी करूंगा लोगों के लिए। ये मैंने सीख लिया कि गलत है। कभी कभी हमको लगता है कि नहीं, लोग बुरे नहीं होते, लोग इतने घटिया नहीं होते, हमें लगते हैं शायद किसी वजह से। लेकिन मैंने देख लिया है ये 4.5 हफ्तों में, 1 महीने से ऊपर जो मैं रहा हूँ वहां पे, कि घटिया चीप लोग डीएनए से एग्जिस्ट करते हैं। उनका डीएनए ही ऐसा होता है कि उसमें सिर्फ धोखाधड़ी होती है, उसमें सिर्फ चीट करना होता है, फ्रॉड करना होता है, गंद बोलना, गंद सोचना लोगों के बारे में होता है। वो उसी थॉट के साथ सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब करते हैं। सो देर आर चीप पीपल इन द वर्ल्ड। वो मैंने देख लिया है बिग बॉस के घर। अरे कहीं ना कहीं एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा आपके लिए, मतलब जिस तरह से आपका नेचर है, आप अननेसेसरली किसी को पोक नहीं करते हैं या किसी, बट वहां पे होता है कि कुछ चीजें लोग टीआरपी के लिए या बस लाइमलाइट में आने के लिए अननेसेसरी झगड़ा पोक करना, तो कहीं ना कहीं कभी ऐसा लगा कि यार ये मतलब मैं कहाँ पे आ गया हूँ, किन लोगों के बीच में हूँ, कैसा है? बिल्कुल, पहला दूसरा हफ्ता मैं यही सोचता रहा, क्योंकि मैं, आपने अगर देखा हो तो मैं ज्यादा एक्टिव नहीं था पहले दूसरे हफ्ते में। मैं ये सोच रहा था कि मैं कैसी दुनिया में आ गया हूँ। मैंने कभी एजाज जैसे साइको के साथ डील नहीं किया, मैंने कभी पवित्रा जैसी क्लासलेस औरत के साथ डील नहीं किया, जिसको मतलब जो मुंह खोले और सिर्फ गालियां और गंद और गंदी बातें निकाले मुंह से। मतलब ऐसे लोगों को मैंने कभी देखा नहीं है और ना इनके साथ बातचीत करी है। मेरे मेरा सर्कल ही नहीं है ऐसे घटिया लोगों का। लेकिन वहां क्योंकि मैं रह रहा था ऐसे लोगों के बीच में, तो मैं ये सोच में आ गया था कि मैं कहाँ आ गया हूँ यार, ये कैसे लोग हैं, क्यों आया हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, गेम शो है, ट्रॉफी है, मैं अपनी पर्सनैलिटी दिखाना चाहता हूँ, सब कुछ है, लेकिन इन लोगों के साथ रहकर, जिन लोगों को मतलब मैं खड़ा ना रखूँ अपने आसपास, ऐसे लोगों के साथ रहकर मुझे कई बार फील आता था कि वेयर द हेल एम आई। बट फिर थर्ड वीक से मैंने उनको समझना शुरू कर दिया, एंड आई न्यू हाउ टू डील विद देम। वो मैंने शुरू किया था। बहुत भी जैसे कि इस साल का जो है 2020 के, मतलब 2020 जवाब देगा, पलटवार होगा, गेम पलटेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसी भी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि मतलब जिस तरह से आपको दर्शकों का, फैंस का प्यार मिलता है, तो शायद एक बार हम फिर से निशांत की रीएंट्री भी देख सकते हैं, पॉसिबिलिटीज यार हैं। ये मुझे तो नहीं पता, वो तो चैनल का डिसीजन है और ऑडियंस की डिमांड है। अगर ऑडियंस डिमांड रखती है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो शायद चैनल बिल्कुल जरूर चाहेगा कि मैं वापस आऊँ, क्योंकि वोटिंग के हिसाब से तो डेफिनेटली ऑडियंस का फेवर निशांत की तरफ बहुत भारी था। अगर मैं वापस जाता हूँ, मौका मिलता है, तो मैं इस बार गेम खेलने, जीतने, अच्छी चीजें अपनी लाइफ की, अपनी पर्सनैलिटी दिखाने, वो सब मैंने दिखा दिया, एंड उसका इन लोगों ने जो फायदा उठाया वो भी मैंने देख लिया। अब अगर मैं जाऊंगा ना, तो अब मैं जाऊंगा सिर्फ रिवेंज के लिए, वेंजेंस के लिए, और इन एक एक कैरेक्टर्स की, जैसे एजाज है, पवित्रा है, निकी है, इनकी बैंड बजा के आऊंगा, क्योंकि अब मुझे उनकी असलियत उनके मुंह पे बतानी है कि तुम हो क्या और तुम क्या समझते हो। उस तरह की हालत जो मतलब एक शेर होता है लेकिन घायल शेर जो होता है और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है उसके दर उस कदर का, नहीं, अगर आप वापस जाते हैं तो। वो कहते हैं ना, आप डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। मतलब एक शरीफ इंसान अगर आपके साथ शराफत से डील कर रहा है, तो आप उसको वीकनेस समझ के आपने उसका फायदा उठा लिया। बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। लेकिन वही इंसान जब पलट के अपनी शराफत छोड़ के आपके सामने खड़ा होगा ना, तो आप खड़े नहीं रह पाओगे। वो हाल इनका होगा अगर ऊपर वाले ने मुझे वापस भेजा। हमने देखा जितने भी एपिसोड्स देखे, तो बहुत सारे वाकया ऐसे जब जब वो आपको लगा होगा कि यार बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं, या आप एक जो हाई पॉइंट होता है आप एक इंसान का जो पारा चढ़ता है, तो इस आपको कब लगा कि मतलब एक हाइट्स हो गई है, बस अब इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त हो रहा है, हाइट्स हो रही है, तो ये चीज मतलब पहले जब बहुत ज्यादा हफ्ते दो इरिटेशन। हफ्ते में ऐसा कई बार हुआ था, लाइक आई सेड, मैं उन लोगों को पसंद ही नहीं कर पा रहा था। मैं उस घर में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था जहाँ इतनी नेगेटिविटी, इतनी घटिया बातें हैं, लोगों की इतनी घटिया नेचर दिख रहे हैं मुझे। लेकिन थर्ड फोर्थ वीक में मैंने काफी एक सही ग्रिप पकड़ ली थी, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स दिखाई अपने घर के अंदर। चौथे हफ्ते में एजाज को जब वो अनफेयर पावर मिली कैप्टन होने के जरिए, कि वो 4 लोगों को निकाल सकता है रेड जोन से और 4 को डाल सकता है, तो उसके बाद मैं डिसअपॉइंटेड हुआ था, क्योंकि टास्क के थ्रू भी अभिनव वॉज द क्लियर विनर ऑफ कैप्टनसी। लेकिन एजाज को वो पावर दी गई, उसने उसका मिस यूज किया, एंड द डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट वॉज दैट मैं रेड जोन में आया, और फिर इविक्शन भी हाउसमेट्स ने किया, ऑडियंस ने नहीं किया। तो इस पूरे प्रोसेस में ऑडियंस का कहीं हाथ ही नहीं था, सब आपस में घर के अंदर ही पॉलिटिक्स के अंदर इंसान मुझे इन लोगों ने अटैक किया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इन्होंने पूरा झुंड बना के मेरे अगेंस्ट गेम खेली, लेट देम प्ले। अगर मुझे मौका मिलता वापस जाने का, तो मैं इनको एक एक को तोड़ के दिखाऊंगा।
कहीं ना कहीं जो जी, कैप्टनशिप का जो टास्क हुआ था, आप कैप्टन भी बने थे, बट शायद रूल्स का उतना ज्यादा पता नहीं था उस वक्त, उस वजह से भी आप मैं बिग कैप्टनशिप बॉस का के बहुत बड़ा फॉलोवर नहीं हूँ, मतलब मैंने बिग बॉस बचपन से देखा हो ऐसा नहीं है। मैंने बिग बॉस लास्ट सीजन थोड़ा सा देखा था, बिकॉज अब मैं जाने वाला था इस सीजन के अंदर, तो मुझे कैप्टेंसी, उसकी ड्यूटी, उसके राइट्स नहीं पता थे। जब मैं कैप्टन बना तो आई वाज एक्सपेक्टिंग, जैसे हर कार्य से पहले बिग बॉस हमेशा एक लेटर, एक फाइल भेजते हैं जिसमें सारी डिटेल्स होती है, तो मुझे लगा कैप्टेंसी का टास्क मैं जीता हूँ तो मुझे भी एक राइट्स एंड ड्यूटीज वाली फाइल या कुछ पेपर मिलेगा जहाँ मुझे बताया जाएगा मेरी ड्यूटीज हैं क्या। कैप्टन होता क्या है बिग बॉस में मुझे पता नहीं था, आई वॉज जस्ट हैप्पी एंड प्राउड कि सब मुझे बनाना चाहते थे और मैं बन के दिखाया मैंने। लेकिन उस दौरान जब तक मैं समझ पाता अपनी ड्यूटीज, इतने सारे लोगों ने रूल तोड़े और एक ट्रैप भी सेट किया मेरे लिए, जहाँ निकी रेड जोन में गई, फिर निकी जान ने मुझे बुला के अगले दिन बैठ के राहुल की बातें शुरू करी, नॉमिनेशंस की बातें शुरू करी। तो उन्होंने बातों ही बातों में, क्योंकि मैं उनको थोड़ा सा 1% जान की वजह से ट्रस्ट कर रहा था, मेरे हाथों ही उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल तोड़वाया। तो उस वजह से अगर मैंने कैप्टनशिप खोई है तो आई टोटली डिजर्व इट। बट उसका फायदा ये हुआ कि पूरे घर को समझ में आ गया कि क्या क्या नहीं करना है, और उसके बाद जो भी कैप्टन बना उसने हर एक चीज का ध्यान रखा। तो आई वॉज लाइक द लर्निंग लेसन फॉर एवरीबडी इन द हाउस कि कैप्टन हो तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। थैंक यू सो मच ब्रो फॉर टॉकिंग टू अस, बड़ा अच्छा लगा, और हम जल्द उम्मीद करते हैं एक बार फिर से आपसे मिले एक नए अंदाज में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, वेलकम, टेक केयर।